am here with some of the working professionals in Germany, और इन लोगों के पास बहुत अच्छी सी जॉब है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके साथ शेयर होंगे. बट द बेसिक पॉइंट आज हमारा वीडियो बनाने का है कि विच आर द कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू. बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ कि कॉमन क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं है. बट अगर हम उन कॉमन क्वेश्चंस को पहले से, इफ यू नो दोस क्वेश्चंस पहले से, सो आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया. तो शेली स्टार्ट. तो आप पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज. हाय, मेरा नाम संदीप है और मैं मिंट मीडिया इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपनी है उसमें काम करते हैं. ओके. और और उससे पहले भी काम किया है? उससे पहले एक मेरा ही जॉब था, यूनी क्लिनिकॉम करके यहाँ पे हॉस्पिटल है ब्रांच, उस पर मेरा ही था 4 महीने का. ओके. और फिर सेम कंपनी मिंट मीडिया में ही मेरा वर्किंग स्टूडेंट भी था, मास्टर प्रोजेक्ट और थीसिस भी था, और फिर बाद में उसी पे फुल टाइम ज्वाइन. ओके. और आप इंडिया से कहाँ से हैं? हम इंडिया से रांची से हैं. ओके. हाँ, और रांची में भी आप पहले इंडिया में भी जॉब करते थे? रांची में नहीं, बेंगलोर में काम करते थे इंफोसिस लिमिटेड में. ओके. थैंक यू. एंड आशीष आप प्लीज बताएं. मेरा नाम आशीष है, मैं फगोक शुले फील्ड में एक स्टूडेंट हूँ. अभी मैं अपनी मास्टर थीसिस पर फोकस कर रहा हूँ. इससे पहले मैं IBM में इंटर्नशिप कर रहा था. उससे पहले मैं कील में ग्राफोमेट करके कंपनी है उसमें इंटर्नशिप कर रहा था. सो सूरज, कैन यू प्लीज गिव इंट्रोडक्शन? हाँ, तो मेरा नाम सूरज है, मैं जर्मनी में 2 साल से हूँ. अभी करंटली मैं हैम्बर्ग ई सेलर्स कंपनी में काम कर रहा हूँ. उसी में पहले मैं वर्किंग स्टूडेंट था और अब मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू. और इससे पहले आपने कहीं जॉब किया है? उससे पहले हाँ, मैंने अपने कंट्री में जॉब किया था, तो उसमें मैं एज 3 साल काम किया था. और जर्मनी में? नहीं, जर्मनी में नहीं. जर्मनी में. ओके. तो हियर वी गोना डिस्कस कि क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं. तो आई थिंक आपने मुझे बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बार-बार पूछा जाता है कि व्हाई यू आर हियर इन जर्मनी. Why you choose Germany? Germany? Okay, why you choose Germany? This is a very important question. और हर बार मेरा यही जवाब था क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है. Okay. और आशीष, आपको भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार-बार? I think so. मेरे से भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि why did you choose Germany? But मेरा आंसर ये दे रहा था, मेरा हमेशा ये आंसर रहता है कि क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा है, मैं अपने फील्ड के लिए पैशनेट हूँ और आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छा है. तो मेरे ये 3 आंसर्स रहते हैं यूजुअली. ओके. और आपसे भी पूछा गया था? मेरे से भी बहुत दफा पूछा गया, पर मेरे से 2 होते थे, एजुकेशन और आईटी इंडस्ट्री अभी जर्मनी में बूम कर. सो द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द स्टेबैक, रिलेटेड टू स्टेबैक. तो क्या जनरली वो पूछते हैं स्टेबैक से रिलेटेड? वो ये जानना चाहते हैं कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है, क्या फ्यूचर आपको प्लान है, आप जर्मनी में जर्मनी रहेंगे या नहीं रहेंगे. रहना है या वापस अपने कंट्री जाना है या किसी और दूसरे कंट्री में जाकर जॉब करना है, तो बस ये वो जानना चाहते हैं. ओके. सो द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन व्हाट लैंग्वेज जनरली? लाइक व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर. ओके. सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान एंड वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू इयर्स? और वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर योर मास्टर्स? ओके, आफ्टर योर मास्टर्स. एंड आई ऑलवेज गॉट व्हाट्स योर future plan, that's it. Okay, so it's related to the future plan. Yeah. So I think the second question might be, what is your future plan? Yeah? Yeah. So it is, of course, after master's or whatever you are doing, right? Definitely. So the third question would be related to your resume, specifically related to resume, that what you have done in your past. तो आपने पास्ट में किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, आपने क्या किया. सो दिस इज आई थिंक अ स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड एवरी टाइम. सो बेसिकली व्हाटएवर यू राइट इन योर रिज्यूमे वो आपको कभी वो समराइज करने के लिए बोल सकते हैं. ओके. या उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं. ओके. ज्यादातर चांसेस पे. ओके. और मे बी आशीष कुछ बता सकता है इसका एक्सपीरियंस. एक्चुअली इसमें मैं 2 डाइवर्जेंसेस निकालूंगा. पहली ये है कि अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो वो आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड. बट अगर आप अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन भेज रहे हैं जिसमें आप किसी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं भेज रहे हैं,
एंड आपको इंटरव्यू कॉल आता है तब आप अपनी जनरल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं एक दो तीन मिनट की समरी में. ओके और आपके मेरा मतलब होता है कि ये सवाल हमने पूछते इस तरह है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जिसमें वो आ जाता है. तो इसमें जैसे आशीष ने बोला दो चीज़ होती है. मैंने तो एक जब अप्लाई किया तो जब इंट्रोड्यूस करना होता है तो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख के हमने रिज्यूमे लिखा उसको डिस्क्राइब करते हैं. अगर अनसॉलिसिटेड होता है तो हम नॉर्मली मैं ईमेल करके पूछता हूँ कि व्हाट इज द इंटरव्यू अबाउट, इज इट अ टेक्निकल और इज इट अ एचआर. तो मैं उस हिसाब से पूछता हूँ. बिकॉज यहाँ पर आप पूछ सकते हो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं उस हिसाब से. And apart from this, I think the fourth important question which is generally being asked here in Germany is, do you know the German language? I think yes. वो question जब आप student jobs के लिए apply कर रहे हैं उनके पास आपका resume already, उनके पास आपका cover letter already है, क्योंकि वो English language में होगा, वो एक assumption है ही है कि आप as an English speaking person apply कर रहे हैं. बट कंपनीज का वो जानने का मोटिवेशन मोस्टली ये होता है कि आपका पर्सनल जर्मन सीखने का मोटिवेशन कितना है. क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी काम करते हैं, जर्मन स्पीकिंग लोग भी काम करते हैं, बट उनको अच्छा लगता है और दे वुड लाइक कि अगर आप जर्मन सीखें. वो मोटिवेशन चेक करने के लिए एक चेक होता है. दैट इज अगेन अ कॉमन क्वेश्चन, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो आपके चांसेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. Until and unless company ने explicitly कहा है कि उन्हें German speaking बंदे की चाहिए. Okay, so they really wanted to see your motivation, whether you're motivated for a new culture. Yeah, exactly. Yeah. Not culture, just language. Because मैं हमेशा answer देता हूँ कि मुझे languages नहीं आती तो मैं German तो मतलब it won't be highly impossible मैं सीखूँगा. Yeah. तो they don't reduce chances. Yes. So it's not culture, it's just they want to see. जो honest है. So they can at least tell their teammates कि यार the person only knows English. मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है कि अगर आपको जर्मन नहीं आता देन आल्सो आई थिंक यू कैन इजीली गेट अ जॉब हियर. सो आई थिंक यू वर ऑनेस्ट अबाउट इट कि नो आई डोंट नो जर्मन, दैट्स ओके फॉर मी, बट आई एम स्किल्ड. या यू कैन हायर मी बिकॉज़ आई एम स्किल्ड, राइट? बेसिकली दे वांट दिस क्वेश्चन टू नो सो व्हेन इफ दे हायर यू दे डिस्कस विद देयर टीममेट्स के इसको इतनी भी जर्मन नहीं आती, अगर आप नॉर्मल बात करो तो समझे, तो दे शुड देन डिसाइड कि अगर बिल्कुल सब कुछ इंग्लिश में ही हो रहा है. और मेरे कंपनी में ऐसा कल्चर है कि आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं फ्यूचर उनसे भी जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनके साथ काम करना नहीं करना. ओह ग्रेट, आई मीन दे वेरी ओपन, वेरी ओपन. ओके, सो आई थिंक द फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन? ये बिल्कुल पूछा जाता है. बस वो ये जानना चाहते हैं कि बंदा सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, इसको कुछ और भी एक्स्ट्रा कुछ करना पसंद है. okay. और इवन पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी काम के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा करना हो. okay. तो बिल्कुल ये जानना चाहते हैं. बट आई थिंक आशीष और संदीप ये तो इंडिया में भी पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है. बिकॉज जैसे हॉबीज की तरह से ये क्वेश्चन आता है, या संगीत के लिए जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर के आया,
तो जब टीम इवेंट्स ये लोग प्लान करते हैं तो अगर सारी टीम में एक चीज कॉमन है कि वो विंड सर्फिंग करते हैं, तो वो प्लान वैसे कर लेंगे कि टीम की हॉबीज के अराउंड, जैसे आई थिंक संदीप की कंपनी में कुकिंग इज समथिंग जो हर वीक करते हैं ये लोग कंपनी में, हर बंदे के पास होता है. सो इफ दैट इज अ हॉबी तो दे प्लान आउट एक्टिविटीज आपकी हॉबीज के हिसाब से. बड़ी कंपनी के इवेंट्स इतने एम्प्लॉई ओरिएंटेड नहीं होते, बट देन टीम्स में ऑटोनॉमी होती है. Basically depends company to company and team members. But this is a question which has been generally asked. Basically इससे वो देखना चाहते हैं आप कितना active, कितना social हो, कितना active. जैसे असीस cooking का बोला मेरे company में, तो जो भी अपने country का specialist है वो हर एक week cook करते हैं और सबको invite करते हैं. At home या in university? नहीं, office में. Office के किचन में सारा सामान है उनके पास, तो ऐसे लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आप एक दूसरे को जानते हो, तो ऐसे सोशल हो रहे हैं. वैसे कुछ देखते आप कितना एक्टिव हो वो ये नहीं मानते कि आपका ऑफिस लाइफ शुड बी 9 to 5 का सिर्फ काम. वो होलिस्टिक एक एनवायरनमेंट में बिलीव करते हैं एंड इसीलिए उनके लिए आपके इंटरेस्ट बहुत जरूरी होते हैं. एंड आई थिंक आपके इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग वो बहुत सारी चीजें चेंज भी करते हैं. आई डोंट नो इफ इट इज हेल्पफुल टू सम ऑफ द व्यूअर्स आउट देयर, बट फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल मैं बॉक्सिंग सीख रहा हूँ और मेरी क्लास शाम को 4 बजे होती है थर्सडेज को, तो मैं थर्सडेज को जल्दी जा सकता हूँ 4 बजे, मेरे ऑफिस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई कैन ऑनेस्टली टेल देम कि मेरी बॉक्सिंग की क्लासेस है. सो दे सपोर्ट यू, दे डू. जर्मन सीखने के लिए भी सेम चीज होती है, देयर आर कंपनीज हु पे यू टू लर्न द लैंग्वेज आल्सो. आपके ऑफिस का अगर आपकी क्लास 1 आवर की है तो आपके ऑफिस का 1 घंटे का जो आपका टाइम है, इवन तो आप वो कोर्स के लिए देते हो, वो कंसिडर करते हैं कि आपने उस 1 घंटा काम किया. जैसे मेरी कंपनी में एवरी फ्राइडे ऑफिस के अंदर जर्मन और इंग्लिश कोर्स होता है. जो जर्मन है, जो दूसरे नेशन उनके लिए इंग्लिश में करवाते हैं, जिनको जर्मन सीखने जर्मन है, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बट आई वांटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि दिस इज अ कल्चर देयर इन इंडिया आल्सो नाउ. सो आई हर्ड अ लॉट अबाउट इट कि द कंपनीज रियली वांटेड, अगर वो जापानीज बेस्ड कंपनी है आप जापानी सीखो, अगर जर्मन बेस्ड कंपनी आप जर्मन सीखो. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज, राइट? Yes, but I would say that it is not that widespread still. Yeah, that is true. So apart from these 5 important questions, do you feel there should be some other questions which might be asked but not generally? Yeah, I think that one question that all of us have been asked, a question jo hai wo stand out karta hai mere liye at least, wo ye hai ki वो आपसे ये जरूर पूछते हैं जब आपको वर्क स्टूडेंट की तरह हायर करते हैं कि आप अगले 5 साल में आपका कैरियर प्रोग्रेशन कैसा देखते हैं. ये यूजुअली एक एचआर क्वेश्चन होता है इंडिया में, बट यहाँ पे ये मैनेजरियल क्वेश्चन होता है, इन द सेंस कि कंपनी ने आपके लिए जो डायरेक्शन सोच रखी है और आपने अपने लिए जो डायरेक्शन सोच रखी है वो कितनी ओवरलैप करती है. और कंपनीज में करियर कोचेज होते हैं जो फिर आपको गाइड कर सकते हैं कि आप उस डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करें. तो कंपनी इसमें भी काफी सपोर्टिव है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डेवलपर हैं और आप कल को मूव करना चाहते हैं अपना रोल तो आप नहीं कर सकते. तो वो उसमें भी कंपनीज काफी सपोर्टिव हो जाती है. बट इस पे आई विल कंसीडर कि ये कंपनी टू कंपनी. यस, दैट्स सम. आई मीन दिस इज दिस वन पॉइंट इज टोटली बेस्ड ऑन कंपनी. दैट इज जस्ट माय एक्सपीरियंस. दैट इज हिज एक्सपीरियंस ना कि दीस आर द क्वेश्चंस दे माइट आस्क. So naturally, अगर company to company ही vary करेगा. इसके अलावा कोई और question सूरज, if you feel कि पूछा जाता है या आपके past experience. इसके अलावा, if you are switching job, तब पूछा जाता है कि आप job क्यों switch कर रहे हो? Reason क्या है? आपके switch करने का? जब आपके पास multiple jobs होंगी तो शायद पूछा जाएगा, but अगर student job है या even student job या आप student job switch कर दो, let's say मैंने 6 महीना एक student job की और मैं दूसरी student job में जा रहा हूँ. Yeah. Even then they will ask. But whenever you switch a job, yeah,
आपसे ये पूछेंगे जरूर कि, और अगर आप डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते हो, नॉट डिपार्टमेंट ऐसे कि मैंने सारा टाइम जावा पे किया है, अब मैं डेटा में आना चाहता हूँ, तो रीजन पूछेंगे, रीजन पूछेंगे कि आप फील इंस्पायर, क्यों आप जावा छोड़ के या क्यों आप ये छोड़ के इस पे जाना चाह रहे हो, तो ये आप जब इन स्विचेस पे आते हो तब ये कॉमन क्वेश्चंस हो जाते हैं फिर। सूरज के ही पॉइंट में हम ये ऐड करना चाहेंगे कि जब आप कंपनी स्विच करते हो तो जनरली यहाँ पे लोग एक ही कंपनी में काफी साल निकालते हैं, वो काफी लॉयल होते हैं, 10 साल 12 साल, तो ये जानना चाहते हैं कि इसको मे बी कंपनी का प्रॉब्लम ही ग्रो करेंगे, बिल्कुल हो सकता है ये इस बंदे में ही कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो फिट ना हो पाया हो, तो ये भी होता है। आई थिंक एक माइंडसेट जो मेरे को यहाँ पे इंडिया से डिफरेंट लगा इसके पॉइंट पे ऐड करने में, कि इंडिया में सिंस मैं भी आईटी में काम कर रहा था, लोग स्विच करते थे क्योंकि इंक्रीमेंट और सैलरी के लिए, बट यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट इतना प्रेवलेंट नहीं है, कुछ जगह पे है बट इतना प्रेवलेंट नहीं है, मोस्टली लोग अपनी कंपनीज के लिए काफी लॉयल होते हैं और वो उस कंपनी में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो एक कल्चरल चेंज हो सकता है जो भी आ रहा होगा। Yes, and I think they always believe in growing the organization. I what I have experienced. They yeah. So I do you feel is there any other question which the audience or which the viewers should know? Yeah. When can you start? Oh. that is like they will ask you. So when can you start? When can you start the job? Yeah. When can you start from? Okay. So they really want you to start as soon as possible? And more, no, they consider the time, but yeah. if you give them a valid reason, there should be a valid reason that you want 2 months, 1 month afterwards. Okay. If you don't have a reason, then why not just start? So they want to know actually when you want. I think that is really a nice point because I recently had a friend जिसको ऑफर किया गया उसकी कंपनी ने जॉब, इवन दो वो मार्च 2020 से पहले जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते, बट उसकी कंपनी ने उसको ऑलरेडी जॉब ऑफर एक्सटेंड कर दिया क्योंकि कंपनी के हिसाब से वो कैंडिडेट अच्छे था और वो उसको जॉब एक्सटेंड करना चाहते थे एंड कंपनी हैज डिसाइडेड टू वेट टिल मार्च। मेरा भी ये था, फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट 1 नवंबर से, मुझे एक महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, साइनड एंड एवरीथिंग। So I think because of the documentation part also, because sometimes it is lengthy and it is time consuming for the documentation part. So I think it is a good if you have a buffer. आपके पास अगर 2-3 महीने का buffer है, and secondly they don't want to lose a good candidate. I think you raised a really good point there. Yeah. If you are applying, एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि 2 से 3 महीने का application के लिए कहीं नहीं जाना। Yes. जल्दी हो सकता है and बहुत अच्छी बात है अगर जल्दी हो, बट अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी एप्लीकेशन का 2-3 हफ्ते बाद भी, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, डोंट बी डिसहार्टेड। यस, तो आप हमेशा 2-3 महीने का बफर रखें बिकॉज वर्स्ट केसेस में 2-2.5 महीने लग ही जाते हैं, कभी कभी एक रिप्लाई के बाद दूसरा रिप्लाई आने में 3 महीना निकल जाता है। यस यस, एंड दैट इज नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, एंड दैट इज फेयरली नॉर्मल, दैट इज फेयरली नॉर्मल। या ओके, so thank you so much for your time and sharing your honest reviews, and hopefully if you have any other questions feel free to text us, write a comment, we will be really happy to answer it, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you.